हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम है श्वेता झा एंड कैसे हो आप सब आई विश आप सब अच्छे होंगे तो मैंने ये वीडियो बनाई है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए जिसमें मैं पहले आंसर करूंगी कि आपकी कितनी सीट्स अवेलेबल है एट कैंपस एंड एट कॉलेज लेवल दूसरा मैं आपको कॉलेज यानी एफिलेटेड कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है ठीक है दूसरा मैं आपको बताऊँगी कि सिलेबस कैसे ढूंढना है और चौथा सॉरी तीसरा कि जो फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है अप्रैल मई जून में आ सकता है तो आ, क्या हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो उसका भी देख लेते हैं और फोर्थ है कि जिन बच्चों ने सेट क्वालिफाई कर रखा है क्या वो आ, इस इस टेस्ट 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 से दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड इससे एग्जेम्प्टेड है तो है कि नहीं है ये देख लेते हैं ना तो ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन कहा मिलेगी इन्फॉर्मेशन में मिलेगी तो वन बाय वन इसका आंसर करते हुए मैं आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर की तरफ लेके जाती हूँ ठीक है तो ओके ओके गाइज ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर बता देती हूँ कहाँ मिलेगा ऑनलाइन एच एन बी एसी डॉट इन पे जाओगे आप डायरेक्ट पी एच डी ठीक है To 2023 to 2024, पे जाओगे तो ये आपका इन्फॉर्मेशन बाउचर खुल जाएगा ठीक है आ, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी गाइज उसमें जो था सीट वाला जो था नहीं अवेलेबल था ना इन्होंने सीट वाला अपडेट कर दिया है कि कितनी सीट अवेलेबल है तो अब हम उसे देख लेते हैं ठीक है सबसे पहले गाइज ये देख लो कि सपोज कोई कह रहा है कि मैं माइक्रोबायोलॉजी

दूसरा दो दो जो बच्चे कह रहे थे कि जिनका आ, हो है, क्या वो एग्जाम से तो नो दो

सोशियोलॉजी में चार है और ये आप ये भी देख सकते हो कि यहां पे की कितनी है, ओ बी सी एस की कितनी रिजर्व है, दिस इज फॉर द एफिलेटेड कॉलेज इसके नीचे दिया हुआ है कि एफिलेटेड कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है देखो तो इनिशियली नहीं पूछते हैं कि आपको आ, किसी फॉर्म में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपको कैंपस चाहिए या एफिलेटेड कॉलेज चाहिए ये जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो तब उसके आगे पूछा जाता है कि आप कहाँ जाना चाह जा रहे हो या किस उसमें आपको अप्लाई करना है ठीक है तो नाउ वी कम टू द्वेश्चन के लिए आपको जाना है एच एन बी जी यू डॉट ए सी डॉट इन पे जाना है जब आप एच एन बी जी यू डॉट ए सी डॉट इन पे आ जाओगे और सपोज आपको ढूंढना है कि आपका सपोज सब कॉमर्स का सिलेबस क्या आएगा रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट में है ना तो आप स्कूल ऑफ कॉमर्स में जाओगे देन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड श्रीनगर श्रीनगर इसलिए सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि श्रीनगर सबसे तो ज्यादा अपडेटेड रहता है बाकी अदर कैंपस में दैट्स वाई श्रीनगर ठीक है अब श्रीनगर जाओगे तो कोर्स डिटेल पे क्लिक करोगे एंड नाउ कोर्स डिटेल में दिस इज दम कॉम सिलेबस तो पीएचडी के लिए जो बच्चे कॉमर्स से अप्लाई कर रहे हैं उनका एम कॉम सिलेबस ही रहेगा तो दिस इज द एक दिस इज द रिवाइज सिलेबस और ये आपका क्या हो जाएगा टोटल सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं इन सब्जेक्ट्स के ये सारे सिलेबस इन्होंने मेंशन किया जैसे इसमें लिखा है प्रिपरेशन फॉर फाइनेंशियल अकाउंट तो जितना इन्होंने इन लिखा है आपको इतना ही पढ़ना है और किन को, किन बुक्स को को रेफर करना है जो सजेस्टेड रीडिंग इन बुक्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेगा ठीक है ऐसे ही आ, अगर आपको दूसरा सब्जेक्ट देखना है बिजनेस इन्वायरमेंट तो ये आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और आपको कौन से बुक्स फॉलो करनी है? ये किताबें आपको फॉलो करनी है तो दीज आर द टॉपिक्स एंड ऐसे आपको अपना सिलेबस ढूंढना है सपोज इफ अ स्टूडेंट अस्टूडेंट एज एन एक्साम्पल हाँ स्टूडेंट इज मैं दूसरा सब्जेक्ट देख बता देती हूँ uh, जैसे माइक्रोबायोलॉजी ही था ठीक है तो माइक्रोबायोलॉजी किस डिपार्टमेंट के अंदर है दैट इज ऑन स्कूल ऑफ लाइफ साइंस तो अगर मुझे माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस ढूंढना है तो हाउ विल आई गो आई विल गो टू द स्कूल एंड स्कूल ऑफ लाइफ साइंस अर्थ है इंजीनियरिंग आई थिंक ह्यूमैनिटीज में होगा एक सेकेंड आपको इसी से पता लगेगा ठीक है ये आपको ढूंढना ही पड़ेगा कहाँ स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में तो वेयर इज स्कूल ऑफ लाइफ साइंस एम आई मिसिंग समथिंग दिस जैसे स्कूल ऑफ लाइफ साइंस नीचे आएगा इस थोड़ा ढूंढने में टाइम लगेगा तो आप स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में जा करके जो भी आपका सब्जेक्ट है आई गैस ये पूरा नहीं आ रहा है तो इससे हमें पूरा प्रॉब्लम हो रही है ना ये है तो ये आपका नीचे खुलेगा कोई भी डिपार्टमेंट यह है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी आप श्रीनगर वाले में क्लिक करोगे तो ये आपका खुल जाएगा दिस इज कोर्स डिटेल और ये आपका कोर्स डिटेल खुल गया है और अब अप, आपका जो होगा मास्टर्स का जो भी होगा एमएससी जो आपका माइक्रोबायोलॉजी का अपडेटेड सिलेबस है आ, ये आपको आप क्लिक करोगे एंड देन यू विल गेट सिलेबस ये था आपका सिलेबस रिलेटेड ठीक है ये आपका माइक्रोबायोलॉजी का आपका सिलेबस खुल गया तो ऐसे ही अगर आपको अपना डिपार्टमेंट वाइज सिलेबस ढूंढना है तो मैंने आपको बता दिया आप सबसे तो पहले इसमें देखो आपके सब्जेक्ट कौन सा है जैसे सीट साइंस है तो आपका डिपार्टमेंट कौन सा हो जाएगा स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस देन यू हैव टू गो टू द एच गढ़वाल एच एन बी जी यू ए वहां पर आप स्कूल जाके अपना स्कूल ऑफ जो भी आपका स्कूल ऑफ जिसमें आता है उसमें जाओगे देन डिपार्टमेंट में जाओगे देन, देन श्रीनगर सेलेक्ट करोगे एंड देन कोर्स डिटेल एंड देन यू विल गेट योर सिलेबस ओके तो दिस इज ऑल इन्फॉर्मेशन लेकिन इसका ईजिएस्ट वे क्या है क्योंकि इनका सिलेबस बहुत वास्ट है और वो एम लेवल के लिए ही डिजाइन होता है तो आपको कैसे पढ़ना है बेसिकली अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो मैंने आपकी बात पहले ही बताई थी अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप नेट की तैयारी करो उसी के एग्जाम से आप इसे क्रैक कर सकते हो ठीक है इसलिए अच्छा होगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को फॉलो करो जो नेट का है क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट का जो प्रीवियस ईयर होता है वो तो यूनिवर्सिटी मेंटेन नहीं करती है और किसी भी स्टूडेंट के पास आपको वो मिलेगा नहीं तो इट्स वेरी इजी कि आप जो आप नेट के लिए पढ़ रहे हो वहाँ से प्रिपेयर करो लेकिन अगर कोई बच्चा नेट के लिए नहीं पढ़ रहा है तो अपना एम का जो सिलेबस है सॉरी मास्टर्स का जो सिलेबस है वो आपको हार्ड और याद होना चाहिए तो ये आपका जो है मैंने आपको बताया एस के पब्लिकेशन से मत पढ़ना आप जो पढ़ोगे स्टैंडर्ड बुक जो सजेस्टेड रीडिंग में जो बुक्स ऑफर की गई हैं उन्हीं से पढ़ो इट विल बी वेरी हेल्पफुल दैट्स ऑल फॉर टुडे आई इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स रिलेटेड टू दिस प्रोसीजर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो Uh, I will try to answer your question. Okay. um That's all. Thank you so much for being here. And please do like and subscribe, guys. subscription say subscribe. Karto, it will give so much motivation to me. So thank you so much for being here, guys. And that's all.